Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर चार्ज कपल्ड डिवाइस जिसे CCD भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मिस कैपेसिटर के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम चार्ज कपल्ड डिवाइस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम बहुत से डायग्राम्स का यूज करेंगे जिसके जरिए आपको CCD का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो इस तरह है। पहला हम देखेंगे कि CCD का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। दूसरा हम इसके डिटेल्ड डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि CCD का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। और चौथे पॉइंट में हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। इस चौथे पॉइंट के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा कि CCD जो है कैसे वर्क करता है। और जब आप पांचवे पॉइंट पर पहुंचेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस थ्रू क्लॉक वोल्टेज, तो ये जो पांचवा पॉइंट है इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि CCD जो होता है वो क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पांचवे पॉइंट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसी से CCD जो है पूरी तरह से समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि CCD का इन्वेंशन किसने किया था, इसको बनाया क्यों गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, विलियर्ड बोयल एंड जॉर्ज ई स्मिथ इन्वेंटेड द चार्ज कपल्ड डिवाइस इन 1969 एट AT&T बेल लैब। तो विलियर्ड बोयल और जॉर्ज ई स्मिथ ने क्या किया था, 1969 में AT&T बेल लैब में CCD का इन्वेंशन किया था। इन 1970 बोयल एंड स्मिथ सबमिटेड अ पेपर ऑन देयर इन्वेंशन ऑफ द CCD टू द बेल सिस्टम टेक्निकल जनरल। और बोयल और स्मिथ ने क्या किया था, अपने CCD के जो इन्वेंशन का, ठीक है, उसका एक पेपर जो है बेल सिस्टम जनरल टेक्निकल जनरल के पास जो है सबमिट किया था। देयर ओरिजिनल आइडियाज फॉर द CCD वाज टू क्रिएट अ मेमोरी डिवाइस। CCD बनाने का उनका ओरिजिनल आइडिया क्या था, एक मेमोरी डिवाइस जो है क्रिएट करना था। ठीक है, हालांकि इसका यूज जो है एक और काम के लिए किया गया बाद में, उसको हम देखेंगे आगे। हाउएवर विद द पब्लिकेशन ऑफ बोयल एंड स्मिथ्स रिसर्च इन 1970 अदर साइंटिस्ट्स बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद द टेक्नोलॉजी ऑन अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। हालांकि जब स्मिथ और बोयल का जो CCD इन्वेंशन का पब्लिकेशन हुआ 1970 में, तो कुछ और साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर जो है एक्सपेरिमेंट जो है करना स्टार्ट किया उस समय के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रेंज था। ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग उनका जो एप्लीकेशंस के रेंज के अकॉर्डिंग उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उतना तक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड दैट दे कुड प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या डिस्कवर कर लिया कि जो CCD होता है, ठीक है, उसका यूज जो है दूर के ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है भी जो है लिया जा सकता है, मतलब इमेज भी जो है क्रिएट किया जा सकता है, ये एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है डिस्कवर कर लिया। ठीक है, बिकॉज CCDs ऑफर्ड अ फोटो सेंसिटिविटी 100 टाइम्स ग्रेटर देन फिल्म। CCD ने क्या ऑफर किया, मतलब CCD का यूज जो है पहले जो है मेमोरी डिवाइस के लिए जो है बनाया जा रहा था, मतलब उसी के लिए ये जो है बनाया गया था, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि इसका यूज जो है इमेज भी क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि CCD क्या करता है, जो फोटोग्राफिक फिल्म रहती है, ठीक है, उसके कंपेयर में जो है 100 टाइम्स जो है ज्यादा फोटो सेंसिटिविटी जो है क्या करता है, ऑफर करता है, मतलब उतना जो है वो देता है। ठीक है, तो इस तरह से CCD का यूज जो है हम इमेज सेंसर्स की तरह और एक मेमोरी डिवाइस की तरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अभी हम केवल इसका जो है डेफिनेशन देख रहे हैं, जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे
तो आपको सीसीडी क्या है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ बताया जाएगा, उनमें से कुछ टर्म्स जो है आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे चलकर ठीक है इस लेक्चर में वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। द सीसीडी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सीसीडी क्या होता है? एक मेमोरी होता है, ठीक है, जिसका यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, अब मेमोरी है तो इसका यूज जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज से होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसा होता है वो हम देखेंगे, उसको जो है ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का पैकेट्स जो होंगे वही जो होते हैं इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इधर जो नीचे का जो टर्म होगा वो आपको अच्छी तरह से अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर सीसीडी का जो है स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, ताकि वो डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीसीडी, इसको यदि मैं देखूं, द सीसीडी इज अ मॉस डिवाइस विच कंटेन्स अ पी टाइप सबस्ट्रेट ऑन विच देयर इज अ लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एंड ऑन द टॉप ऑफ द मॉस देयर इज अ मेटल लेयर विच बिहेव्स लाइक गेट। सीसीडी क्या होता है, जो मॉस डिवाइस होते हैं उसका जो है अरे होता है, मतलब बहुत सारे मॉस डिवाइस से मिलकर जो है सीसीडी बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, हमने तो बस यहाँ तीन लिया है, ठीक है। यदि इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ जो है बहुत से, ठीक है, मॉस डिवाइस को जो है एक साथ जो है कनेक्ट किया गया, इस कारण इसको जो है सीसीडी को, ठीक है, अरे ऑफ मॉस डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीसीडी में क्या होता है, ये हम जानते हैं अपने मॉस जो कैपेसिटर है उस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, ये ऑक्साइड जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, और ये जो गेट जो है ये जो है पॉलीसिलिकॉन का जो है लिया जाता है, ठीक है। ये क्यों लिया जाता है ये भी देखेंगे। और ये सेमीकंडक्टर हमारा क्या है, हमने जो कंसिडर किया है वो पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बॉडी टर्मिनल होता है जो कि ग्राउंडेड रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे आगे। तो व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल, होल्स आर रिपेयर्ड फ्रॉम अ रीजन बीनीथ द गेट इन द पी टाइप सबस्ट्रेट, दिस रीजन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल वेल। अब देखिए यहां पर क्या किया जाता है, जब हाई वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है, देखिए ये क्या है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उस पर उसको जो है इस पर इंसिडेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है पॉलीसिलिकॉन का, इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये क्या होता है ज़्यादा फोटो सेंसिटिविटी होता है, मतलब ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, फोटॉन को जो है आसानी से जो है इंसिडेंट होने देता है, ठीक है। तो जैसे ही अब देखिए ये क्या है मेटल, ये वाला मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर जैसे ही क्या होता है फोटॉन जो है इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो रीजन होता है इधर, मतलब जहां तक फोटॉन जो है इंसिडेंट हो पाएगा, जितने अंदर तक जो है जा पाएगा, ठीक है, वहां जो रीजन होता है वो फोटो डायोड की तरह जो है वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, फोटॉन जब इंसिडेंट किए जाते हैं तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक बजट जो है चैनल बन जाता है, ठीक है, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कम ज़्यादा होंगे वो जो है फोटोन के जो है इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी है उस पर जो है डिपेंड करता है कि यहाँ जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है एक्युमुलेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बरिड चैनल मतलब हिडन चैनल जो है बन जाता है, एक छिपा हुआ चैनल जो कि एन चैनल की भांति जो है बिहेव करता है। अब क्या करते हैं, ठीक है, फोटोन इंसिडेंट हमने करा दिया, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर हुआ और यहाँ पर जो ये रीजन है फोटोडायोड की भांति वर्क करेगा। तो उसके पश्चात क्या होगा, जब हम इसमें हाई वोल्टेज अप्लाइड करेंगे ये गेट पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो है लोअर पोटेंशियल पर है, ये जो है हायर पोटेंशियल पर है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे,
एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही मैंने इसको हायर पोटेंशियल दिया तो यहाँ पर जो होल्स था, ठीक है, यहाँ पर जो होल्स था वो क्या हुआ, डिप्लेट हो गया, ठीक है, इधर रिपेल होगा और इलेक्ट्रॉन और होल्स का कुछ रिकम्बाइनेशन होगा, ठीक है, जिससे उसका डिप्लेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक इस तरह से वेल बन जाएगा, ठीक है, कुआं बन जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो है क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो जो हायर पोटेंशियल पर, ठीक है, जो गेट टर्मिनल होता है उसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव गेट टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये होल्स आर रिपेयर्ड फ्रॉम अ रीजन बीनीथ द गेट इन द पी टाइप सबस्ट्रेट, दिस रीजन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल वेल, तो ये रीजन क्या होता है, हमारा पोटेंशियल वेल होता है, ठीक है। एंड इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पैकेट ऑफ निगेटिव चार्ज, और ये जो वेल होता है ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो उनको जो है कलेक्ट करने के लिए जो है कैपेबल होता है ये पोटेंशियल वेल, ठीक है। नाउ डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉस डिवाइस टू एन एडजेसेंट वन बाई वन क्लॉकिंग द गेट्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डेटा रहता है यही क्या होता है, जो चार्ज होते हैं यही जो है इन्फॉर्मेशन होता है, हमारा डेटा होता है। अब इस डेटा को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए पहले ये दोनों लोअर पोटेंशियल पर है, ठीक है, तो ये पहले वाला जब मैं लोअर पोटेंशियल पर कर दूंगा, ये हायर पोटेंशियल पर कर दूंगा इन दोनों को, तो ये जो, ठीक है, चार्ज है ये जो है यहाँ पर पोटेंशियल वेल जो है बन जाएगा, ठीक है, इसको हायर पोटेंशियल पर रखूंगा तो यहाँ पोटेंशियल वेल बन जाएगा, और यहाँ जो पहले पोटेंशियल वेल था वो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने लोअर, ठीक है, पोटेंशियल पर रखा है, तो यहाँ पर जो ये चार्ज है ये यहाँ इन दोनों रीजन में जो है, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, फिर यदि मैं इसको जो है दोनों को लोअर पोटेंशियल पर रखता हूँ तो ये चार्ज, इसको ही केवल हायर पोटेंशियल पर रखूंगा तो ये चार्ज जो है केवल यही पर जो है आ जाएगा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल वेल था ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अभी हमने बस केवल इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा, इसका वर्किंग हम देखेंगे। देखिए जब तक हम पांचवें पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते तब तक सीसीडी में आपको जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता रहेगा, क्योंकि कुछ टर्म्स जो है आपको पूरी तरह से क्लियर तभी होंगे जब हम पांचवें पॉइंट को जो है अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। उसको समझने के बाद हम ये जो डायग्राम है इसको जो है अच्छे से समझ में पाएंगे। तो पहले ये वर्किंग में आता है, लेकिन, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें उस पॉइंट को पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी डायरेक्ट हम नहीं समझ सकते, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में ही उसको समझेंगे। मतलब सीसीडी को समझने के लिए हमें जो है एक साथ जो है स्टेप बाय स्टेप इसको जो है नहीं समझ सकते, ठीक है, कुछ चीजों का जानकारी हमें पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीसीडी। अ सीसीडी इज हाईली सेंसिटिविटी फोटोन डिटेक्टर डिवाइडेड अप इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव स्मॉल एरियाज नोन एज पिक्सल्स विच कैन बी यूज टू बिल्ड अप एन इमेज ऑफ द सीन ऑफ इंटरेस्ट। सीसीडी क्या होता है, सीसीडी जो होता है एक फोटोन डिटेक्टर होता है, ये हमने देखा, ठीक है, फोटोन को डिटेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, इसके नीचे जो होता है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव स्मॉल एरिया होता है, ठीक है, एरियाज होते हैं जिसको जो है पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। इसको यदि मैं देखूं यहाँ पर, देखिए यदि मैं फोटोन को इंसिडेंट करूँ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है इस तरह से कलेक्ट हो, तो इसके नीचे में, मतलब ये क्या है, इसके नीचे में एक एरिया रहता है, ठीक है, इस तरह से उसको पिक्सल कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर चार्ज जो है स्टोर रहता है, ठीक है। ये पिक्सल कैसे बनता है इसको हम अच्छे से पांचवें पॉइंट में समझेंगे, ठीक है। तो पिक्सल क्या होता है इसके, इसको भी हम देखेंगे क्या होता है। ये जो है लाइट सेंसिटिव स्मॉल एरिया होता है एक, ठीक है, उसे हम पिक्सल कहते हैं, और पिक्सल का यूज हम जानते हैं किस लिए किया जाता है, जो इमेज होता है उसको क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पिक्सल क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ पिक्चर होता है, ठीक है, किसी भी पिक्चर का, ठीक है, जो फोटोज हम खींचते हैं मोबाइल पर उसका जो स्मॉल एलिमेंट होता है पिक्सल होता है, ठीक है, जैसे कि मेगा पिक्सल में आता है, तो जितना ज़्यादा पिक्सल होगा हमारा जो फोटो है वो उतना ही जो है क्या होगा, उसका रिजोल्यूशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। आल्सो इन सीसीडी अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैकेट ऑफ चार्ज, दीज चार्ज आर स्टोर्ड इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ मॉस कैप एंड आर मूव्ड इन द सीसीडी सर्किट बाय प्लेसिंग द मॉस कैप वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड
मैनिपुलेटिंग द वोल्टेज ऑन द गेट्स। ठीक है, तो हमने जो अभी देखा था वही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो बहुत सारे, ठीक है, मॉस डिवाइस रहते हैं उसको जो है इस तरह से, ठीक है, पास पास में रख देते हैं, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं जब उसको वोल्टेज जो है देते हैं तो उसमें क्या होता रहता है, उसके जो हायर पोटेंशियल पर क्या होता है, चार्ज जो है, जो, ठीक है, पैकेट्स ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है, वो कलेक्ट होते हैं यहाँ पर, और जो है वोल्टेज को मैनिपुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने देखिए, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो वी सी इट अलाउ द चार्ज टू स्पिल फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द नेक्स्ट, दस द नेम चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है वो क्या होते हैं, कपल्ड हो जाते हैं, मतलब ये जो है यहां पर से जो है यहां पर जुड़ जाता है, यहां पर से फिर से यहां पर जुड़ जाता है, मतलब ये जुड़ गया। ठीक है, यहां से यहां पर जुड़ते जुड़ते जो है यहां पर जो है ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इस कारण इसको जो है चार्ज कपल्ड डिवाइस कहते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज जो है कपल्ड हो जाते हैं, जुड़कर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो जो है इस वोल्टेज को मैनिपुलेट करते हुए हम करते हैं चार्ज का ट्रांसफर। ठीक है, इन थ्री फेज सीसीडी वन पिक्सल इज कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिपलेट ऑफ गेट्स। अब देखिए ये वाला जो टर्म है आपको जो है देर से समझ में आएगा, लेकिन ये जो है समझ में आएगा। थ्री फेज सीसीडी मतलब, अब इस डायग्राम को आप देखिए, ठीक है, यहां पर जो मैंने कहा है कि ये जो हमारे पास मॉस डिवाइस रहता है, इस तरह से हमने बहुत सारे मॉस डिवाइस को जो है इस तरह से क्या किया है हमने, ठीक है, पास पास में रखा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इसका जो है ये प्रोसेस को नहीं बता रहा हूं कि ये है क्या, ये जो है पांचवें पॉइंट का जो है इमेज है। ठीक है, हम जो ये स्टडी करेंगे इसका जो है ये इमेज है। तो यहां पर जो टर्म आ रहा है उसको बताने के लिए मैं इसका थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा हूं। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, जब हम पूरी तरह से, ठीक है, इस टर्म को देखेंगे उसके बाद ही इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल भी जो है हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी ये क्या है उसको भूल जाइए। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि देखिए यहां पर हमने देखा इन थ्री फेज सीसीडी वन पिक्सल इज कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिपलेट ऑफ गेट्स। ठीक है, थ्री फेज सीसीडी में हम क्या कहते हैं कि जो ट्रिपलेट्स ऑफ गेट्स होते हैं हमारे पास, ये देखिए तीन गेट है। ठीक है, यहां पर भी मतलब तीन गेट का जो है हम एक जो है ग्रुप बनाते हैं, यहां पर भी हमने तीन गेट का एक ग्रुप बनाया है, यहां पर भी और यहां पर भी बनाया, इस तरह से जो है बहुत सा हमने ग्रुप बना लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रिपलेट फॉर्म होता है हमारे पास गेट का, ठीक है, इनमें से जो पहला जो गेट होता है सभी में, ठीक है, उसको जो है एक फेस से जो है हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब यहां पर क्या होगा वोल्टेज ही है ये। ठीक है, इस पर जो वोल्टेज दूंगा, ठीक है, वो क्या होगा इन तीनों गेट पर जो है एक साथ जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अप्लाइड होगा। ठीक है, तो ये थ्री फेज सीसीडी इस तरह हम 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है, इस तरह से हम 4 फेज 2 फेज 5 फेज 7 फेज, इस तरह से हम सीसीडी बना सकते हैं। तो हम जिस, ठीक है, सीसीडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, थ्री फेज सीसीडी है। ठीक है, प्रोसेस सभी का सेम रहता है। तो यहां पर देखिए जो फेज टू है उसमें क्या होगा, जो, ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म से हमारे पास गेट का, उसका जो है दूसरा गेट ये सभी जो है एक फेज से हम कनेक्ट कर दिए हैं, और जो तीसरा गेट है उसी तरह से हमने एक फेज से जो है कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस कारण इसको जो है थ्री फेज सीसीडी कहा गया है। यदि 5 4 मैं लूंगा तो यहां पर मतलब चार का फॉर्म बना दूंगा। ठीक है, 4 जो गेट का यदि मैं ग्रुप बना दूं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 फेज सीसीडी वो बन जाएगा। तो ये हमने इस तरह से, ठीक है, यहां पर देखिए पिक्सल क्या होता है, कंसिस्ट होता है थ्री फेज सीसीडी में, ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ गेट, ठीक है, फॉर्म से। तो यहां पर देखिए एक पिक्सल इस तरह से बनता है, ये कैसे है इसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो वन पिक्सल होता है थ्री फेज सीसीडी में क्या है, एक, ठीक है, वन पिक्सल क्या होता है इस ट्रिपलेट ऑफ गेट्स से जो है बनता है, इस तरह एक दूसरा पिक्सल, तीसरा पिक्सल, चौथा पिक्सल। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, यहां पर ये टर्म आया है तो मुझे बताना ही था। ठीक है, द इमेज फॉर्मिंग सेक्शन ऑफ द सीसीडी इज कवर्ड विथ क्लोजली स्पेस्ड वर्टिकल रजिस्टर्स आल्सो कॉल्ड पैरेलल रजिस्टर्स। अब देखिए यहां पर फिर से एक नया टर्म आया है, तो मुझे ये वाला डायग्राम जो है यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, सीसीडी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है अंत में ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट फॉर्म है, ये वाला ट्रिपलेट फॉर्म। तो यहाँ अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा पिक्सल जो है बन गया है, ठीक है। और ये जो पिक्सल है मेरा ये वाला है, ये सभी क्या है, यही पिक्सल है जो यहाँ पर ये जो है बन चुके हैं, ठीक है। ये कैसा बना ये हम देखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी पिक्सल होगा, ठीक है। ये देखिए ट्रिपलेट फॉर्म में यहाँ पर एक पिक्सल है, यहाँ पर पिक्सल है, यहाँ पर पिक्सल, यहाँ पर सभी जगह जो है पिक्सल बना है, ठीक है। यहाँ पर भी पिक्सल है, यहाँ पर भी, ये सभी जगह जो है पिक्सल बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन पिक्सल को जो है, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना है, चार्ज का जो है ट्रांसफर करना है। तो चार्ज जो है पिक्सल्स में जो है स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो पिक्सल को मैं क्या करता हूँ, मतलब ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो पिक्सल को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर जो ये डॉट 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 वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट रजिस्टर्स होता है, ठीक है, जो पिक्सल को जो है शिफ्ट करने का काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम, ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है इसको हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो होता है कैसे होता है। देखिए, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, एक जो है सीसीडी है। तो जब मैं फोटॉन्स को जो है उस पर इंसिडेंट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, मान लो बारिश जो है हो रही है, तो पानी की जो बूंदें हैं, ठीक है, यदि ये जो गोल गोल आपको, ठीक है, डिब्बा दिख रहा है वो क्या है, यदि मैं उसको पिक्सल मानूँ, ठीक है, पानी गिर रहा है तो उसके लिए एक बकेट मानूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बकेट को पिक्सल माना गया है, पानी को फोटॉन्स माना गया है। तो फोटॉन्स जब इंसिडेंट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पिक्सल बना है मेरा, ठीक है, पिक्सल जो बना है इसमें क्या होता है, जो फोटॉन्स इंसिडेंट हुए रहते हैं, ठीक है, उसके जरिए चार्ज जो है प्रोड्यूस होते हैं, वो इसमें जो है स्टोर होते हैं। तो वर्टिकल शिफ्ट जो रजिस्टर्स होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है। ये सीसीडी कॉलम्स जो दिया है वही शिफ्ट रजिस्टर्स है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है पिक्सल्स को जो है इस तरह से ट्रांसफर करता है। इसको कन्वेयर बेल्ट जो है कहा गया है, वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट कहा गया, मतलब ये पट्टे के जरिए ऐसे जो है घूमेगा। तो जो शिफ्ट रजिस्टर्स होता है वो इसी तरह जो है, ठीक है, शिफ्ट करता है, घूमता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक हॉरिजॉन्टल जो है शिफ्ट रजिस्टर्स जो है लगा रहता है, जो क्या करता है, इस तरह से जो है घूमता रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ये वाला, ठीक है, ये सभी क्या है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पर फिर से पिक्सल जब आएगा तो नीचे में क्या लगा है, एक हॉरिजॉन्टल जो है शिफ्ट रजिस्टर लगा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट रजिस्टर ये इधर लगा है। यहाँ पर जो पिक्सल आते हैं उसके बाद फिर से जो है इधर ट्रांसफर होते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक जो है, अब ये ट्रांसफर कैसे होंगे, इन वोल्टेज के द्वारा जो है इसको मैनिपुलेट किया जाता है और इधर जो है फिर से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, जब हमें आउटपुट मिलता है तो इसको हम एम्पलीफायर के जरिए जो है आउटपुट को जो है ले लेते हैं, जिसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये अभी भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जब हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो जो है जब मैं पांचवा पॉइंट बता लूंगा तभी जो है आपका क्लियर हो पाएगा। तो चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है ये सब जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो भी इमेज देखा है ये दोनों हमारा जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये हो क्या रहा है, ठीक है, पिक्सल कैसे बन रहा है और सीसीडी वर्क कैसे कर रहा है। तो जब हम इसका रिवाइज करेंगे एक बार और, ठीक है, ये पांचवा पॉइंट जो है देखने के बाद, तब आपको जो है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि इस पॉइंट के बाद आपका जो, ठीक है, कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास, ठीक है, हमने सबसे पहले सीसीडी लिया, मतलब मॉस जो डिवाइस है उसको पास पास जो है हमने क्या कर लिया, ठीक है, ऐसे पास पास रख दिया, ठीक है, आपस में जोड़ दिया, ठीक है, अरे बना लिया, ग्रुप बना लिया उनका। और उसके पश्चात हमने जब फोटोन को जो है इंसिडेंस किया तो यहाँ पर जो है, ठीक है, बड़ी चैनल बना, ठीक है, हिडन चैनल। तो उस पर जब हमने हायर वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, तो वहां पर क्या बना हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, निगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर हो गए हैं, ठीक है, जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो ट्रांसफर होता कैसे है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है हमारा चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस विथ क्लॉक वोल्टेज। क्लॉक वोल्टेज मतलब यहाँ पर हम वोल्टेज को क्या करेंगे, फेस के जरिए जो है देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो है कोई लेयर नहीं है, ठीक है, यहाँ टाइम T1, T2, T3, T4, T5, T6 इन पर जो है कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हमने
ठीक है, गेट का जो है ट्रिपलेट फॉर्म बना लिया है इस तरह से, ठीक है, जिसको यहाँ थ्री फेज सीसीडी कहेंगे उस कंडीशन में, ठीक है, हम चाहे तो फोर, ठीक है, फेज सीसीडी भी बना सकते हैं इनका यदि फोर, ठीक है, गेट को एक साथ जो है अरेंज्ड करें तो, ठीक है, तो हम देख रहे हैं थ्री फेज सीसीडी। तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, एट टाइम टी वन पर, ठीक है, इसको भी आपको समझना है ये क्या है, वेब फॉर्म होता है, ठीक है, ये वेब फॉर्म होता है, इसको आप राइट करने के लिए लिख सकते हो। तो देखिए टाइम टी वन पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये फाई वन होता है, ठीक है, मतलब ये फेस वन जो होता है, जो वोल्टेज हम देते हैं, ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल पर है तो टी वन टाइम पर ये जो है, देखिए ये जो है हायर पर है, इधर नीचे आएगा तो लोअर कहलाएगा, तो अभी ये हायर पर है, हायर पर है, और ये जो दोनों फेस है, ठीक है, फाइव टू और फाइव थ्री, ये क्या है लोअर पर है, ठीक है, ये क्या है देखिए लोअर पर है, हायर पर है मतलब यहाँ पर पोटेंशियल वेव जनरेट हुआ है जिसमें कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिया है, तीन, एक, चार, कितने भी हो सकते हैं, वो जो फोटोन इंसिडेंट होता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है, तो हमने कुछ इस तरह से ले लिया है, आप कितना भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है रख सकते हैं, निगेटिव चार्ज हैं, बस ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले केस में क्या है कि टाइम टी वन पर क्या है कि ये जो है हायर पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल वेल इसमें कुछ चार्ज है, ठीक है, तो देखिए ये तो फेस में हमने दिया है, तो यहाँ ट्रिपलेट फॉर्म में ये भी हायर पोटेंशियल पर होगा, ये भी हायर पोटेंशियल पर होगा, ये भी हायर पोटेंशियल पर होगा, तो इनमें जो है कुछ चार्ज इस तरह है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इन चार्ज को जो है ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से देखिए, अब एट टाइम टी टू पर, टाइम टी टू पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो फाई वन है ये तो हायर पोटेंशियल पर है, हायर पर ही है, ठीक है, यहां पर क्या होता है जो फाई टू होता है वो भी जो है देखिए टी टू पर हायर पोटेंशियल पर आ जाता है, ये टी टू पर क्या हुआ, हाई हुआ, और टी टू से टी थ्री तक, ठीक है, यहां तक क्या होगा, हायर हो जाएगा, मतलब यहां पर भी जो है पोटेंशियल वेल जनरेट हो गया, ये पहले जो है देखिए ऊपर था, ये नीचे आ गया T2 टाइम पर, ठीक है, ये बस टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुआ है उसको बता रहा है, ठीक है, ये कोई लेयर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए T2 टाइम पर क्या हुआ, जो Phi2 है हायर हुआ, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल ये जो है ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल वेल बन जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल वेल बन जाएगा, यहाँ पर तो ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए ये, ठीक है, Phi2 से कनेक्ट है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वेल जनरेट होगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल वेल जनरेट होगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब T3 पर क्या होगा, देखिए T3 पर यहाँ पर जो Phi1 है वो लो हो जाएगा, ठीक है, लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा ये वाला T3 से T4 तक, ठीक है, यहाँ तक, और Phi2 जो है वो हायर रहेगा, Phi2 वो हायर ही रहेगा, और Phi3 है वो भी जो है लोअर हो जाएगा, मतलब केवल Phi2 जो है क्या होगा हायर रहेगा, Phi1 और Phi3 जो है लोअर हो जाएगा, मतलब ये जो Phi1 था, मतलब ये जो मेरा हायर पोटेंशियल था, ठीक है, Phi1 के जरिए ये अब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जो है हट जाएगा, इसको मैं लोअर पोटेंशियल पर रख दिया हूँ, ये फिर से ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हट गया, ठीक है, अब देखिए ये इतना हो गया, फिर से ये देखिए पहला Phi1 फेस वन पर है, ठीक है, तो ये फिर से ये जो है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा जो है लोअर पर ही है, ये वाला हमारा तीसरा जो है लोअर पर ही है, ये लोअर पर ही है, देखिए मतलब हायर पर होगा तो पोटेंशियल वेव जो है बनेगा, और लोअर हो जाएगा तो पोटेंशियल वेव जो है हट जाएगा, तो यहाँ पर Phi2 ही क्या है मेरा हायर पर है, और Phi1 Phi3 जो है लोअर पर है, तो Phi1 Phi1 ये सब लोअर हो जाएगा, देखिए ये लोअर और ये भी लोअर हो गया, केवल Phi2 जो है देखिए Phi2 वाला फेस ही जो है क्या होगा यहाँ पर हायर होगा, ठीक है, ये अब देखिए T4 पर क्या होगा, T4 पर फिर से देखिए ये जो है Phi3 जो है हायर हो जाएगा अब, ठीक है, Phi3 हायर होगा और Phi2 जो है हायर हो जाएगा, लेकिन Phi1 जो है लोअर रहेगा, ठीक है, तभी तो चार्ज जो है ट्रांसफर होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T4 पर क्या हो गया, ये Phi1 जो है, Phi1 तो लोअर ही है, Phi3 ये पहले लोअर था यहाँ पर देखिए, ठीक है, सॉरी Phi3 ये पहले क्या था, लोअर था, अब ये हायर हो गया, ठीक है, मतलब Phi2 और Phi3 जो है क्या हो गया, हायर हो गया, तो ये Phi2 हायर था पहले से, अब हायर ही रहेगा, ठीक है, Phi3 भी हायर हो गया, तो ये इतना हो गया, यहाँ पर भी ये फिर से हायर होगा, तो ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ये इतना हो गया, ठीक है, ये फिर से ये भी क्या होगा, Phi3 जो है हायर होगा,
तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब ये जो है पोटेंशियल वैल्यू इसमें भी बन गया, ठीक है। तो इतना आ गया। T5 पर क्या होगा, देखिए फिर से T5 पर फिर से यहाँ पर देखिए, Φ1 जो है लोअर ही रहेगा, ठीक है। Φ2 क्या हो जाएगा, वो भी लोअर हो जाएगा, और Φ3 जो है क्या होगा, हायर रहेगा, तभी चार्ज ट्रांसफर होगा। तो T5 पर यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया, Φ3 हायर पर है, ठीक है, ये Φ3 ये वाला हायर पर है, तो ये इतना ही रहेगा। फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, Φ3 हायर रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, लोअर हो गया है, तो Φ2 फिर से Φ2 लोअर हो गया, ऊपर चला जाएगा, Φ3 हायर पर है, तो ये इतना ही रहेगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। T6 पर क्या हो जाएगा, देखिए Φ1 फिर से हायर पर आ जाएगा, Φ1 फिर से हायर पर आ जाएगा, और Φ2 लोअर पर ही रहेगा, और Φ3 भी हायर पर रहेगा T6 पर, ठीक है। T6 पर मतलब क्या होगा, Φ1 और Φ3 जो है हायर पर रहेगा, तो Φ1 ये वाला है, ये फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फिर से क्या हो गया, T6 पर ये Φ1 हायर हो गया, इतना क्या था मेरा पहले, ये Φ3 हायर पर था, Φ1 भी हायर पर आ गया है, तो ये इतना हो गया, ठीक है, ये Φ1 फिर से हायर पर आ गया, तो इतना हो गया। अब देखिए ये ट्रिपलेट फॉर्म था, ये वाला ट्रिपलेट फॉर्म था, तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया, इधर जो है ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इसमें जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये ट्रिपलेट फॉर्म था मेरा। अब यहाँ जो चार्ज था, अब T6 पर क्या हो गया है, जो Φ1 है वो हायर हो गया है, तो यहाँ ये हायर हो गया, ठीक है, ये वाला ये हायर हो गया इसका, तो ये इस तरह से हो गया। T1 फिर से हो जाएगा, मतलब ये जो है T1 से T6 पर एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक जो ट्रिपलेट फॉर्म है हमारा गेट का, इससे दूसरे जो ट्रिपलेट फॉर्म है गेट का, उसमें जो है चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो एक पिक्सल हमारा यहाँ बन जाता है, ये फिर से देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर T1 पर क्या हो जाएगा, फिर से T1 पर फिर से क्या हो जाएगा, देखिए Φ1 जो है हायर रहेगा, ठीक है, उसके पश्चात Φ2 जो है लोअर रहेगा, और Φ3 भी जो है लोअर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Φ1 हायर है, केवल Φ1 हायर है, केवल Φ1 हायर है, यहाँ पर ही केवल Φ1 हायर है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए चार्ज पहले यहाँ पर था T1 टाइम पर, T1 पर फिर से मतलब T6 पर क्या हुआ, ये तो यहाँ तक आया अंतिम तक, ठीक है, तो T1 पर फिर से क्या हो गया, ये जो है फिर से जो हमारा एक ट्रिपलेट फॉर्म है उससे दूसरे ट्रिपलेट फॉर्म में यहाँ पर आ गया है, जो यहाँ पर चार्ज था T1 पर, फिर से T1 पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो T1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये फिर से इस, ठीक है, इस तीन गेट के ग्रुप से दूसरे जो है तीन गेट के ग्रुप में आ गया है, मतलब अब यही जो तीन गेट का ग्रुप जो होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म जो होता है वो वन पिक्सल कहलाता है, जो हम फेस लेते हैं, मतलब तीन फेस का जो, ठीक है, हम ग्रुप लेते हैं ये वाला, वहां तक जो नीचे का रीजन होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है हमारा, पिक्सल कहलाता है। ये यहाँ जो फेस बनेगा, ठीक है, यहाँ जो फेस बनेगा, तो यहाँ जो रीजन रहेगा वही क्या होता है, पिक्सल कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये एक पिक्सल यहाँ बन गया, देखिए चार्ज यहाँ पर था, यहाँ से ट्रांसफर होकर मतलब यहाँ पर आ गया है, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया है, तो ठीक है। अब ये कोई लेयर नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह है, ठीक है। तो चार्ज जो है एक ट्रिपलेट फॉर्म से दूसरे ट्रिपलेट फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म क्या है, पिक्सल है, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में जो है ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यही क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस विथ क्लॉक वोल्टेज, जितना भी बताया हूँ सेम जो है यहाँ पर जो है पूरा अच्छे तरह से लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या देख लेते हैं, इसका जो है वर्किंग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, CCD हम जानते हैं कि इसका यूज जो है इमेज सेंसर की तरह किया जाता है, और दूसरा जो है मेमोरी डिवाइस की तरह जो है किया जाता है। तो चलिए एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं CCD होता क्या है। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है, CCD जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। बहुत सारे जो MOS कैपेसिटर होते हैं उनको पास पास जो है रखकर हम क्या करते हैं, इसका अरे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेटल्स होंगे, इस तरह जो है गेट होगा उनका, ठीक है, ऑक्साइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और जो है सेमीकंडक्टर, ठीक है, मटेरियल होगा, जो कि हमने यहाँ पी टाइप सब्सट्रेट लिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसिडेंट कहते हैं फोटॉन्स को, ठीक है, और ये जो है पॉली सिलिकॉन गेट का बना होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं यहाँ पर जो है प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ही फोटॉन्स जो है इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे, वो जो है जो फोटॉन्स होते हैं उनके जो, ठीक है,
इंसिडेंट होते हैं उसकी इंटेंसिटी पर जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रिट चैनल जो है बन जाता है इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो जो है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक्यूमुलेट हुए रहते हैं। तो ब्रिट चैनल मीन्स हिडन चैनल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर चैनल के फॉर्म में रहता है। तो जब, ठीक है, इनमें हम क्या करते हैं, जो गेट होता है हमारे, गेट टर्मिनल्स जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं। तो जहाँ पर हायर पोटेंशियल रहता है वहाँ पर चार्ज जो है क्या हो जाते हैं, ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं और इनको जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है तीन गेट के लिए हमने, ठीक है, दिया है। तो थ्री फेज सीसीडी के लिए यदि हम इसको कंसिडर करें, ठीक है, तो थ्री फेज सीसीडी में हम क्या करेंगे, तीन तीन का जो है फॉर्म इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और जो हमने प्रोसेस देखा कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, T1 टाइम से स्टार्ट होता है ट्रांसफर होना, और यहाँ पर फिर से T6 पर जो है एंड होता है, और T1 पर फिर से क्या हो जाता है, दूसरे जो ट्रिपलेट फॉर्म होता है गेट्स का उनमें जो है क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो जो रीजन होता है ये ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है, होता है गेट का, इनका जो नीचे का रीजन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पिक्सल कहलाता है। और चार्ज जो है इस तरह से वन पिक्सल से दूसरे पिक्सल में जो है ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, देखिए ये जो है सीसीडी ही है, ये जो है हमने यहाँ पर पिक्सल बन गया, ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर, जो ये पिक्सल बना इसमें जो चार्ज होंगे, ये पिक्सल यही है ये वाले, ठीक है, तो इनमें कुछ चार्ज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी पिक्सल है, यहाँ हर जगह जो है इस तरह से पिक्सल है, और ये पिक्सल जो है क्या होते हैं, यहाँ पर एक बैरियर के द्वारा जो है, ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है पोटेंशियल बैरियर के द्वारा जो है अलग अलग रहते हैं, जिनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, चैनल स्टॉप कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, और इसमें क्या होता है कि नीचे में शिफ्ट, ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट रेजिस्टर्स लगा रहता है, ठीक है। ये देखिए फिर से ट्रिपलेट फॉर्म है यही गेट का, तो यहाँ पर जो पिक्सल बनता है उनमें जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हम ये जो वर्टिकल शिफ्ट रेजिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको जो है, ठीक है, इधर, ठीक है, वर्टिकल से इस साइड जो है क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते जाते हैं, मतलब वो इस तरह से आता है। तो ये जो हमारा इमेज सेक्शन होता है, यहाँ पर जो पिक्सल बना है वो है, ठीक है, और उसके बाद ये जो होता है हमारा रीड आउट सेक्शन होता है, मतलब इधर भी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट रजिस्टर यहाँ लगा रहता है इस साइड में ये, ठीक है। तो पिक्सल एक टाइम पर क्या होता है, एक लाइन का पिक्सल जो है पूरा आ जाता है, और आने के बाद फिर से क्या हो जाता है, एक टाइम पर जो है ये जब यहाँ पर, ठीक है, एम्पलीफायर को जो है दिया जाता है, तो ये क्या करता है, जो आउटपुट हमें मिलता है चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, जो ये चार्ज होते हैं हमारे पास जो ट्रांसफर्ड जो चार्ज होते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज, उनको क्या करते हैं, एम्पलीफायर जो है वोल्टेज में जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल में यदि हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ, ठीक है, वोल्टेज हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, ठीक है। द एम्पलीफायर कन्वर्ट्स द चार्ज कंटेंड इन ईच पिक्सल टू अ वोल्टेज, जो एक एक पिक्सल में, ठीक है, प्रत्येक पिक्सल में जो चार्ज स्टोर रहता है उसको क्या करता है, वोल्टेज में जो है कन्वर्ट कर देता है। इन डिजिटल डिवाइस, और डिजिटल डिवाइस के जरिए, ठीक है, यहाँ जो हमें वोल्टेज मिलता है, ठीक है, जो चार्ज है वो वोल्टेज में कन्वर्ट होकर मिलता है एम्पलीफायर से, तो वो क्या हो जाता है, दिस वोल्टेज आर देन सैंपल्ड, ठीक है, वो सैंपल कर दिया जाता है, वोल्टेज जो मिलता है वो हमें डिजिटाइज्ड डिजिटल रूप में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड यूजुअली स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है, और अदर सर्किट्स, और मेमोरी या फिर अदर सर्किट्स में जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है फॉर ट्रांसमिशन रिकॉर्डिंग और अदर प्रोसेसिंग, ठीक है। इन प्रोसेसिंग के जरिए, मतलब कुछ प्रोसेसिंग्स के लिए जो है, चाहे वो ट्रांसमिशन हो रिकॉर्डिंग हो, वो इन्फॉर्मेशन क्या है इस पर डिपेंड करेगा, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनको जो है आउटपुट में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन होगा, रिकॉर्डिंग होगा, या जो भी प्रोसेसिंग होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो डेटा है क्या, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा होता है। अब हम देख लेते हैं इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस। एडवांटेज ऑफ सीसीडी, तो पहला एडवांटेज क्या होता है, लो नॉइस। सीसीडी क्या करता है, लो नॉइस जो है प्रोड्यूस करता है। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट लार्ज मेमोरी इन सिंगल चिप, ठीक है, सिंगल चिप में क्या होगा, लार्ज मेमोरी जो है कंस्ट्रक्ट करना जो है पॉसिबल हुआ सीसीडी के द्वारा। डेटा आर स्टोर्ड सीरियली, ठीक है, डेटा क्या होता है इसमें, सीरियली जो है स्टोर होता है, हमने देखा, ठीक है, ये इस डेटा आर स्टोर्ड सीरियली हो गया, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, लो कॉस्ट होता है और हाई सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा,
Since the data are stored serially, the average access time is long compared with the semiconductor RAM memory. ठीक है, हमने देखा कि जो डेटा होता है सीरियली जो है क्या होता है स्टोर्ड होता है, इस कारण जो रैम मेमोरी के कंपेयर में जो इसका एक्सेसिंग टाइम होता है, ठीक है, मतलब एक्सेस जो टाइम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है एक्सेस होने में. ठीक है, टाइपिकल साइज आर मच स्मॉलर इज कम्पेयर टू फोटोग्राफिक प्लेट्स. ठीक है, जो इसका साइज जो होता है वो क्या होता है फोटोग्राफिक प्लेट्स के कंपेयर में क्या होता है स्मॉल रहता है. यूज क्या होता है इसका, द सीसीडी कैन बी यूज्ड एज मेमोरी एंड एज इमेज सेंसर. ठीक है, हम इसका यूज जो है मेमोरी और इमेज सेंसर की तरह कर सकते हैं. इट इज यूज्ड इन वीडियो कैमरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्कैनर एंड बारकोड रीडर. ठीक है, इन द सैटेलाइट फोटोग्राफ प्रोसेसिंग. ठीक है, तो इन सब में इसका जो है यूज किया जाता है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. यदि आप नोट्स के लिए लिखना चाहते हैं तो इस तरह से ये जो है देख सकते हैं ये. ठीक है, थैंक यू.